बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिन खैरियत से गुजर रहे होंगे आप लोगों के। आज हम लोग आगे स्टार्ट लेंगे केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10। आई एम योर टीचर खारुनिसा। एज वी हैव स्टार्टेड द यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट लिया हुआ है दैट इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट एज अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेज फॉर्मेशंस ऑफ कोल पढ़ लिया, उसके अलावा कोल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिया, एंड साथ में कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी पढ़ लिया। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आप लोगों के पास पेज 61 पे मौजूद है। आप लोग अपने बुक ओपन करें, 11.22 टॉपिक है। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने कह दिया कि आपके पास प्लांट और एनिमल मेजर सोर्सेज है, और फिर उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर वो डिराइव हुए हैं तो वो या तो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल से डिराइव हुए हैं और बने हैं, या फिर इनडायरेक्टली आप लोगों के पास इसका सोर्स प्लांट और एनिमल ही है। फिर उसके बाद जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दैट इज कोल है, कोयला जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जिसमें 85% मीथेन होता है और 15% इथेन। फिर प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं विच आर मेन सोर्सेज, और फिर उसके बाद है सिंथेसिस इन लेबॉरेटरी जो कि हमारे पास फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। और अब भी आप लोगों के पास जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम का है, फॉसिल फ्यूल से हमारे पास इसका ताल्लुक है, उसके एग्जांपल में आता है पेट्रोलियम। एक्चुअली आप लोगों के पास अगर देखें तो द वर्ड पेट्रोलियम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड आप लोगों के पास पेट्रा है जिसका मतलब है रॉक, और ओलियम है जिसका मतलब है ऑयल। तो मतलब आप लोगों के पास पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है रॉक ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल को जो हम लोग दूसरे नाम ले सकते हैं वो आप लोगों के पास क्या है, मिनरल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। अब अगर एक्चुअली में हम लोग देखें कि पेट्रोलियम है क्या चीज़, सो पेट्रोलियम इज द जनरल टर्म गिवन टू द हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स फाउंड इन नेचर बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ। हम लोग कहते हैं कि पेट्रोलियम आप लोगों के पास एक जनरल टर्म है जो कि हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स को दिया गया है, जो कहाँ पाए जाते हैं, अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ पाए जाते हैं। अब पेट्रोलियम अकर्स आदर इन, पेट्रोलियम आप लोगों के पास जो कि अंडरग्राउंड है, बिल्कुल डिफरेंट डेप्थ आपके पास मौजूद है। हम लोग कहते हैं कि 500 फीट नीचे हैं आप लोगों के पास पेट्रोलियम। तो आप लोगों के पास वहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? तो इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और उसके अलावा गैशियस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं, और साथ में एडिशन में अगर हम लोग कहें तो अर्थ पार्टिकल्स भी मिक्स पड़े होते हैं। अब जो मेजर थ्री है आपके पास गैशियस है, लिक्विड है और सॉलिड है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि गैशियस फॉर्म कॉल्ड नेचुरल गैस। गैशियस फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। द लिक्विड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, उसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, और सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड बिटुमिन और पिच कहते हैं उसको, जिसको हम लोग कहते हैं आपके पास जितना भी रेजिड्यू मटेरियल रह जाता है वो है आप लोगों के पास। अच्छा जी, अब डिफिनेशन पे आते हैं। तो डिफिनेशन में है कि पेट्रोलियम इज डिफाइंड एज ब्लैकिश कलर्ड और ग्रीनिश कलर्ड लिक्विड। पेट्रोलियम आप लोगों के पास एक लिक्विडिश फॉर्म होता है, विस्कस होता है, और जिसका कलर आप लोगों के पास ब्लैकिश कलर होगा या फिर उसका ग्रीन कलर होता है, ग्रीनिश इन कलर होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉक्स ऑयल, इसको हम लोग दूसरा नाम लेते हैं रॉक्स ऑयल का, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स, क्योंकि हम लोग इसको रॉक्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और रॉक्स भी कौन से होते हैं, पोरस रॉक्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। पेट्रोलियम फॉर्मेशन, अब आगे आप लोगों के पास है पेट्रोलियम फॉर्मेशन का।
पेट्रोलियम को हम लोग अगर देखें तो ये आपके पास अभी हमने पढ़ लिया कि ग्रीन या फिर ब्लैक कलर का आपके पास विस्कस लिक्विड होता है, और ये डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है, और बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, और इसमें अ लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। अब फॉर्मेशन देखें तो आपके पास इट हैज़ बीन सेड दैट पेट्रोलियम इज़ फॉर्म बाय स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये आप लोगों के पास पेट्रोलियम जो बनता है इसका प्रोसेस ये है कि डिके ऑफ एनिमल और प्लांट जो है वो बरेड हो जाते हैं, फिर उस पर बहुत सारे सदियाँ बीत जाती हैं, और फिर उसके बाद जो अर्थ का प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो आप लोगों के पास बहुत हाई होता है, तो एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास वहाँ पे वो तमाम टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि आप लोगों के पास अगर छोटे हैं, अगर बड़े हैं उसके अलावा, तो वो सारे के सारे आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं विस्कस लिक्विड में। और वो विस्कस लिक्विड हमारे पास क्या कहलाया जाता है, उसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, या आप लोगों के पास फॉसल फ्यूल भी कहलाया जाता है। वाई इट इज़ कॉल्ड फॉसल फ्यूल? फॉसल फ्यूल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि हमारे पास ये फॉसल से ही मिलके बना होता है। आगे देखें तो आपके पास है इट इज़ रिमेन ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज चेंज इनटू ऑयल बाय हाई प्रेशर। एक तो ये हो गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसल फ्यूल बिकॉज इट इज़ फॉर्म फ्रॉम रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स। आपके पास फॉसल डेड एनिमल्स के लिए है, तो फॉसिल फ्यूल के आपके पास ये तभी बनता है जब रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स हो और प्लांट्स हो साथ में, वो अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम कंपोजिशन, अब पेट्रोलियम की कंपोजिशन क्या है? पेट्रोलियम कंटेन सेवरल केमिकल कंपाउंड्स, द मोस्ट कॉमन इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। हम लोग इसको सिंपल यूँ कहते हैं कि पेट्रोलियम इज़ यूज लेस, लेकिन इससे हमारे पास जो डिस्टिलेशन के थ्रू जितने फ्रैक्शंस निकलते हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब पेट्रोलियम में बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन जो कॉमन उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम इंडिकेट्स इट्स क्वालिटी एंड यूजेज। पेट्रोलियम की कंपोजिशन ही उसकी क्वालिटी और उसके यूजेज के बारे में बताती हैं। ऑल्दो पेट्रोलियम कंटेन्स टू मच ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स बट द मोस्ट कॉमन इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कह रहे आप लोगों के पास इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो कॉमन आप लोगों के पास मौजूद है वो हाइड्रोजन 10 से 14% होता है, नाइट्रोजन 0.1 से 2% तक होता है, और सल्फर आप लोगों के पास 0.5 से 6% तक होता है। एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेट्रोलियम डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ फोर मेन हाइड्रोकार्बन्स। आप लोगों के पास मेन जो इसको हम लोग कहते हैं कि डिपेंड अपॉन करता है कंपोजिशन जो मेन है वो आप लोगों के पास है पैराफिन्स है। पैराफिन्स आप लोगों के पास 60% इसमें होती है। नेफ्था आप लोगों के पास 30 to 60% है उसकी। एरोमेटिक्स की 3 to 30 है, और एसफेल्ट के आप लोगों के पास 1 से लेकर 10% तक मौजूद होती हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है दैट इज़ यूज टू सेपरेट द मिक्सचर इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस, ताकि आप लोगों के पास जितने भी यूजफुल मटेरियल्स हैं उसको हम लोग अलग अलग कर सकें। सो स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट वॉलिटिलिटीज बाई मीन टू डिस्टिलेशन। हम लोग उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, और फिर उसके बाद डिफरेंट फ्रैक्शंस में अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों के पास डिफरेंट कंपाउंड जो है वो जाते जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अ मिक्सचर इज एवोपोरेटेड फॉरवर्ड बाई कंडेंसेशन। आप लोगों के पास प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसमें मिक्सचर जो है वो एवोपरेट होता है, और उसके बाद वो कंडेंस हो जाता है, और फिर वो वही कंडेंस जो फॉर्म है वो आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस में कलेक्ट किए जाते हैं। डिफरेंट लिक्विड्स आर एवोपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी आप लोगों के पास है डिफरेंट लिक्विड्स मौजूद होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले एवोपरेट होके अपने फ्रैक्शन में कलेक्ट किए जाते हैं, फिर उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा वो धीरे धीरे आप लोगों के पास एवोपरेट होते जाएंगे।
अच्छा जी, सम मोर यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। आप लोगों के पास कुछ यूजेस ऑफ पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम आप लोगों के पास एक्चुअली अगर हम लोग कहें तो वहाँ पे अलॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों के पास अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स होते हैं, और इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये आप लोगों के पास ये सारे के सारे जितने भी इसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। रिफाइनिंग के बाद आप लोगों के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेट्रोलियम कोक यूज इन स्पेशली कार्बन प्रोडक्ट्स और एज सॉलिड फ्यूल। आप लोगों के पास एक तो कार्बन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा आप लोगों के पास सॉलिड फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होता है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग कहें कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन पैराफिन वैक्सेस, वहाँ पे आप लोगों के पास इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एरोमेटिक पेट्रोकेमिकल। फिर आप लोगों के पास एरोमेटिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जितने भी हैं वो आप लोगों के पास इस्तेमाल होते हैं एज प्रिकर्सर इन अदर केमिकल प्रोडक्शन। लेट सपोज आप लोगों के पास जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें मौजूद होते हैं तो उससे हम लोग इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि फर्दर हम लोग और केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकें। फिर आगे है, इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रबर, एक्सप्लोजिव एंड प्लास्टिक्स हैं। हम लोग इसको एक्सप्लोजिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा सिंथेटिक रबर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द पेट्रोलियम एंड देयर कंपोजिशन, और इसके अलावा कंपोजिशन हो गया है, उसके अलावा अगर हम लोग के उसके यूजेस हो गए हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया है, ये सारा का सारा पेट्रोलियम एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने पढ़ लिया। इन केस आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।